बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री, इन लेक्चर 18 वी आर डिस्कसिंग लोकोमोशन एंड स्केल्टन इन वर्टीब्रेट्स। इन वर्टीब्रेट्स, ठीक है ना जी। तो बेटा जी, सबसे पहले जो वर्टीब्रेट्स की क्लासेस है, फिशेस, देखें क्लास स्पाइसेस हमने पढ़ रखी है फर्स्ट ईयर चैप्टर 10 में, क्लास एम्फीबिया, रेप्टीलिया, और फिर जो है वो बर्ड्स की जो है उस हम एवीज कहते हैं, और उसके अलावा क्लास में मेमेलिया। तो ये आज हमने इनके अंदर लोकोमोशन एंड स्केल्टन को पढ़ना है। तो व्हाट आर द अडॉप्टेशंस मेड बाय दीज एनिमल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन। तो बड़ा जी, स्विमिंग इन फिशेज, तो फिशेज स्विमिंग इज इन वाटर प्रेजेंट वेरी डिफरेंट प्रॉब्लम्स। पानी में तैरना जो है वो मुख्तलिफ किस्म का जो है अंदाज होता है देन फ्रॉम वॉकिंग ऑन लैंड एंड मैन एंड फ्लाइंग इन एयर स्केल्टन, क्योंकि पानी में जो है वो पानी एक विस्कस मीडियम है, तो वो ज़्यादा जो है वो फ्रिक्शन ड्रैगिंग फोर्स जो है वो देता है मूवमेंट के लिए। तो इसलिए जो है वो फिशेज ने जो है वो ये 6 अडॉप्टेशंस की हैं, जिससे वो जो है वहाँ पे वो बड़ी सक्सेसफुल किस्म की जो है वो लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं। उनमें सबसे पहली जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, द मोस्ट फिशेज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब होता है टेपर्ड एट बोथ हैंड्स, इस एंड से भी टेपर्ड होगी और दूसरे एंड से भी क्या होगी, टेपर्ड होगी, नोकदार, ठीक हो गया ना जी। एंड दिस मीन दैट वाटर फ्लोज रेडली, पानी जिस्म के ऊपर ठहरेगा नहीं, ऊपर से ही फ्लो करता रहेगा ओवर द बॉडी सरफेस, एंड ड्रैगिंग यानी फ्रिक्शन इज रिड्यूस टू मिनिमम। अपार्ट फ्रॉम द फिन्स नो अपेंडेजेस, बॉडी के ऊपर कोई अपेंडेजेस हमारी तरह टांगे और बाजू जो है वो इस तरह के नहीं है, बल्कि छोटे छोटे से फिन्स हैं। तो इट गिव्स देम परफेक्ट स्ट्रीमलाइंड, तो एंड मेकिंग द फिशेज फास्टर जो है, एंड इट सीम दैट फास्टर द फिश, जितनी बॉडी स्ट्रीम लाइंड होगी उतना ज़्यादा फास्टर जो है वो फिश होगा, द मोर परफेक्ट इज स्ट्रीम लाइन। द डर्मल डेंटिकल ऑफ कार्टिलेज, डर्मल स्किन को कहते हैं डेंटिकल्स बेटा जी, उसके ना वो जो स्किन ऊपर उसके जो मौजूद होती है कार्टिलेज, जैसे शार्क वगैरह जो हैं, तो एंड दी, और उसके अलावा स्केल्स ऑफ बॉनी फिशेज जो हैं, स्केल्स छिलकों को कहते हैं, घर में जब फिश आती है ना जी, तो उस वो आने से पहले उसके ऊपर ना जो है वो बटन के साइज के बराबर के जो है वो छिलके से पाए जाते हैं, उन्हें स्केल्स कहते हैं। तो ये डर्मल डेंटिकल्स एंड स्केल्स जो है वो कीप द स्किन मॉइस्ट एंड लुब्रिकेटेड जो है विद एक्स जो है विद म्यूकस और ऑयली सेक्रीशंस, एक्सुडेशन लिखा हुआ है आपकी किताब में, तो बाई स्लाइमी एक्सुडेशन फ्राम म्यूकस आर ऑयल ग्लैंड्स, एंड दिस हैज़ दिस आल्सो कंसिडरेबल रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द फिश एंड वाटर जो है। बड़ा ये अदर अडाप्टेशन जो है वो क्या है, फिन्स हैं, तो फिन्स जो है वो 4 किस्म के फिशेज में पाए जाते हैं, डॉर्सल फिन, वेंट्रल फिन। जो डॉर्सल एंड वेंट्रल फिन्स हैं ये फिशेज को हेल्प करते हैं तो टू स्टेबलाइज द फिश जो है पानी में एक जगह पे रुकने में, और जबकि जो है वो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स जो है वो स्टीयरिंग का काम करते हैं, यानी लेफ्ट राइट को टर्न करने में इस तरह से जो है, तो जो है ये पेयर्ड होते हैं पेल्विक और जो है पेल्विक और ये पेक्टोरल फिन्स जो है ये क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। अच्छा बेटा जी, अब बात हम करते हैं किसकी जो है वो अगली अडॉप्टेशन की, कि इनके पास जो है वो बायंसी ये करते हैं, फिशेज जो है वो पानी में ही कभी नीचे पानी की तह में चले जाती हैं, कभी पानी के ऊपर वाले हिस्से में आ जाती हैं। दिस अप एंड डाउन मूवमेंट विद इन अ वाटर ऑफ फिशेज इज कॉल्ड बायंसी, एंड दिस इज डन बाय स्विम ब्लैडर्स, और ये किसके जरिए से वो करती हैं, स्विम ब्लैडर, जब स्विम ब्लैडर के अंदर जो है वो गैस भर लेती हैं तो वो हल्की हो जाती हैं, पानी के ऊपर वाले हिस्से में आ जाती हैं, और जब उन्होंने पानी के डीपर हिस्से में जाना होता है तो उसमें पानी भर लेती हैं, तो ये हैवी हो जाती हैं और फिर नीचे चले जाती हैं। लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स, बेटा जी रेप्टाइल्स जो हैं दी, इनका जो जनरल बॉडी, इनके अडॉप्टेशंस क्या हैं, जनरल बॉडी बिल्ट इज फिश लाइक, यानी ये भी स्ट्रीम लाइंड होते हैं, बट दे हैव टू मीन्स ऑफ लोकोमोशन, दे रिगल अलॉन्ग द बेली विद द हेल्प ऑफ
मसल्स तो एंड दे रिगल, रिगल का मतलब है क्रीप करना, ये जमीन के ऊपर रींगते हैं किसके बेल अलोंग बेली विद द हेल्प ऑफ मसल्स एंड इन सच अ वे दैट द लेग्स आर हार्डली टचिंग द लाइन। इनकी टांगे जमीन को ज्यादा नहीं, अपनी टांगों की मदद से ये जमीन पर रींग नहीं रहे होते हैं, बल्कि असल में अपने बेली मसल्स की मदद से जो है वो ये रींग रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे पानी के अंदर बेली मसल्स की मदद से जो फिशेस जो हैं वो ट्रैवल करती हैं, मूव करती हैं, इसी तरह से ये जमीन के ऊपर रींगते हैं। दूसरी तरफ जो है कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपनी टांगों को अपने जो है वो पैल्वक और पेक्टोरल गर्डल के नीचे ले आए हैं, और जिसकी वजह से वो जमीन से थोड़ा सा ऐसे ऊपर अपलिफ्ट हो जाते हैं, तो विच वो और फिर उनकी टांगे ही जो है वो उनको पुल करती हैं, सॉरी जो है वो क्या करती हैं, प्रोपेल पुश करती हैं उनकी बॉडी को, तो अलोंग द मूवेबल लिबर यानी हड्डियों की मदद से, और वो फिर जंपिंग एंड हॉपिंग जैसी जो है वो लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं। इन इन एम्फीबियंस को जो ऐसा करते हैं उनको एनुरेंस कहते हैं। एनिमल्स विदाउट नेक वर्टिब्री, नेक वर्टिब्री सर्विकल वर्टिब्री को कहा जाता है, जिसमें एटलस और एक्सस पाए जाते हैं, तो वो इनमें मौजूद नहीं होते हैं, तो दे दिस स्केल्टन इज स्पेशली मॉडिफाइड फॉर पेक्यूलियर स्विमिंग एंड जंपिंग, जैसे फ्रॉग जो है एनुरंस, एनुरंस असल में क्लास एम्फीबिया का एक ऑर्डर है एनुरेल्स, ठीक है, उस वजह से इन्हें एनुरंस कहा जाता है। एनुरेल्स के अंदर जो है वो नेक वर्टिब्री नहीं पाए जाते हैं, तो उनका जो हेड होता है ना वो ट्रंक के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। तो बड़ा जी जो है बाई मेथड्स पेक्यूलियर स्विमिंग स्केल्टन इज स्पेशलाइज फॉर पेक्यूलियर स्विमिंग एंड जंपिंग मेथड ऑफ लोकोमोशन एंड बाई मीन्स ऑफ एक्सटेंसर्स, ठीक है ना, एक्सटेंसर्स मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि वो मसल जो कि बॉडी के लेग्स को या आर्म्स को सीधा कर देते हैं, ठीक है ना जी। थ्रस्ट पुशेस बोथ काइंड ऑफ लिम्स जो है दोनों को पुश करते हैं एक्टिंग टुगेदर मिलकर जब वो काम करते हैं। तो बड़ा जी अब इनका जो स्ट्रॉन्ग लिंग्स है फ्रॉग्स एंड टोड्स आल्सो इसकी एग्जाम्पल दी गई हैं। वॉक ऑन हाउ, फ्रॉग जो है वो मुंह उसका पॉइंटेड होता है, ठीक हो गया, जो टोड होता है उसका मुंह राउंड होता है, और जो फ्रॉग होता है उसकी स्किन जो है ना वो ग्लैंडुलर होती है यानी सेक्रीशंस वाली होती है, जबकि जो टोड होता है उसकी स्किन जो है वो ड्राई होती है। तो और भी डिफरेंसेस हैं। हॉप ऑन द लैंड ड्यू टू जंप करते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स जो है। लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स, लाइफ स्टाइल ऑफ रेप्टाइल्स रिवील स्ट्राइकिंग अडाप्टेशंस। रेप्टाइल्स जो हैं बेटा जी कौन कौन है, लिजर्ड्स हैं, स्नेक्स हैं और टर्टल्स हैं, ठीक हो गया ना जी, क्रोकोडाइल्स हैं, ये चार रेप्टाइल्स हैं जो कि रीसेंट इरा में मौजूद हैं, हालांकि इनके पहले जो है वो पहले जुरासिक पीरियड में जो है वो बहुत सारे रेप्टाइल्स थे। तो फॉर लोकोमोशन दे है, इनके अडाप्टेशन क्या है, नंबर एक पे तो दे हैव बेटर मूव बेटर देन एम्फीबियंस ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ स्केलेटन। रेप्टाइल यूज मेथड ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग, इनमें लोकोमोशन कौन सी पाई जाती है, वॉक एंड रनिंग वाली। द जनरल इनहेरिटेड स्केल्टन इज फ्रॉम द एम्फीबियंस, इनके पास वैसा ही तकरीबन स्केल्टन होता है जैसा कि इनके इंसेस्टर एम्फीबियंस के पास था, बस थोड़े उसमें उसमें उन्होंने एवोल्यूशन की है। तो हाईली ऑसिफाइड यानी बहुत ज़्यादा बोनीफाइड हार्ड स्केल्टन जो है इनके पास है। सर्विकल वर्टिब्रीज इनमें मौजूद है, इनके एक्सियल स्केल्टन में जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम में, जिसकी वजह से ये अपनी नेक को जो है वो रोटेट कर सकते हैं। तो फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट फॉर हेड जो है, द एक्सिस इज मॉडिफाइड फॉर रोटेशनल मूवमेंट। अब बेटा जी इनके अंदर जो है वो रिब्स, हाईली मॉडिफाइड रिब्स पाई जाती हैं, तो ये हाईली मॉडिफाइड रिब्स जो है वो स्पेशली स्नेक्स जो है जैसे जो रेप्टाइल्स हैं उनको मस्कुलर कनेक्शंस प्रोवाइड करती हैं टू लार्ज बेली स्केल्स टू एड लोकोमोशन। जो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स हैं वो बाईपेडल थे यानी कि दो टांगों पर चलते थे, अगली बार पिछली टांगों के ऊपर और अगली टांगें जो है वो उनकी फ्री होती थी, तो नैरो पेल्वस होती थी, लेकिन उन नैरो पेल्वस को के साथ साथ उसको बैलेंस किया गया था कि इसके साथ एक हैवी स्ट्रेच्ड आउट टेल जो है इनका, वो जो आखिरी कॉक्सिक्स सैक्रम और कॉक्सिक्स जो वर्टिब्री है वो बड़े बड़े बड़े
और मजबूत किस्म के होते थे, तो इनकी वो जो टेल है उनको जो है वो बैलेंस करती रहती थी कि जो है ग्रेविटी के ऊपर काबू कर पाने में और दूसरा जो है वो लोकोमोशन में। तो दी नैरो पेल्विस एंड हैवी आर स्ट्रेच टेल फॉर बैलेंस, बाइपेडल लोकोमोशन फ्रीड द फ्रंट अपेंडेजेस विच बिकेम अडॉप्टेड फॉर जो है कैप्चरिंग और फ्लाइट इन सम एनिमल्स, कुछ ऐसे रिटाइल्स थे जो कि उड़ते थे। आर्कियोप्टेरिक्स आपको याद होना चाहिए, लोकोमोशन इन एयर बेटा जी। अब बर्ड्स की बारी आ गई है, तो देखें जी स्केलेटन ऑफ बर्ड इज मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, दे हैव मेड फॉलोइंग अडॉप्टेशंस, दे हैव लाइटर स्केलेटन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज स्पेसेस बिटवीन द बॉन्स, तो विच मेक देम लाइटर, और इस तरह से जो है वो लाइटर स्केलेटन की मदद से वो ग्रेविटी के ऊपर काबू पा के हवा में जा सकते हैं। तो फोर लिम्स हैव इवॉल्व इन टू विंग्स एंड दे हैव ऑल्सो इवॉल्व स्ट्रॉन्ग पेक्टोरल मसल्स विच पुल दी विंग्स अप एंड डाउन, तो उसकी मदद से जो है वो फिर वो फ्लाइट करते हैं, फ्लाई करते हैं। दी स्टर्नम इज मॉडिफाइड टू फॉर्म फील, हमारी जो स्टर्नम है इनमें क्या बन जाती है, इस तरह से कील बन जाती है, जैसे मुर्गी की सीने की हड्डी आपने देखी होगी, ठीक है ना, उसके ऊपर जो है वो जो कहते हैं ना गोल बूटी वाला मुर्गे का जो गोश्त होता है वो पेक्टोरल मसल्स होते हैं और वो कील के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो बड़ा जी दी स्टर्नम इज मॉडिफाइड फॉर टू फॉर्म कील, दी कील इज नीडेड फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स। तो अब फोर्थ अडॉप्टेशन इनकी जो है, द बॉडी इज कवर्ड विद फीदर्स विच गिव दी विंग्स अ लार्ज सरफेस एरिया टू कीप देम इन एयर, दे आल्सो कीप देयर बॉडी वॉर्म्स, ठीक है, ये वार्म ब्लडेड है, एंडोथर्मिक है, राउंड द क्लॉक अपनी बॉडी के लिए हीट पैदा करते हैं। देखें फ्लाइट के लिए ज्यादा एटीपी चाहिए तो ज्यादा हीट प्रोडक्शन होनी चाहिए, तो वार्म ब्लडेड होने की वजह से ये एनफ एनर्जी पैदा कर लेते हैं विच हेल्प देम इन फ्लाइट एक्टिविटी। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन टू कट क्लियरली थ्रू द एयर, दे आर द फीदर्स, इनकी स्किन के ऊपर जो फीदर्स पाए जाते हैं वो भी जो है वो सर फ्लो एयर को ऊपर से फ्लो करवाते रहते हैं, तो इस तरह से फ्रिक्शन को कम करते हैं। ए बर्ड कैन फ्लाई आइदर पैसिवली और एक्टिवली, जो है इस तरह से उनके जो है ग्लाइड भी कर सकता है और एक्टिवली फ्लाइट भी कर सकता है। तो बड़ा ये एक्टिव एंड पैसिव फ्लाइट्स जो हैं वो आपके सामने उनके डिफरेंसेस लिख दिए हैं, तीन तीन डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे बना दिए हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको बहुत आसानी रहे। जो है वो इन पैसिव फ्लाइट बर्ड्स यूज द विंग्स एज एरोफॉयल्स टू ग्लाइड इन एयर। व्हाट आर एरोफॉयल्स? एनी स्मूथ सरफेस विच मूव्स थ्रू द एयर एट एन एंगल टू द एयर स्ट्रीम, एयर करंट्स के साथ वो अपने विंग्स को एक खास एंगल पे ले आते हैं, ये मिसाल के मार्कर एयर करंट है तो वो इस तरह से कर लेंगे, तो इस तरह से उनको जो है वो पुश मिलता रहेगा और बॉडी ऊपर को लिफ्ट होता रहेगा, ठीक है ना जी। देखें हवा में उड़ता हुआ कागज भी एक एरोफॉयल है, ठीक है ना, हवा में उड़ता हुआ कागज भी एरोफॉयल है, एरोप्लेन्स के विंग्स भी एरोफॉयल्स हैं, तो बर्ड्स के विंग्स भी एरोफॉयल्स का काम करते हैं। तो बर्ड्स यूज द विंग्स टू फ्लैप टू प्रोड्यूस एयर करंट्स, ठीक है ना जी, क्योंकि इसमें जो है वो एयर करंट्स जो है वो खुद नहीं मौजूद होते हैं, तो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं एयर करंट्स को, जो कि फिर बॉडी को लिफ्ट करते हैं। नंबर दो पे, एयर फ्लोज ओवर द विंग्स इन सच अ वे दैट बर्ड इज गिवन लिफ्ट, जबकि इसमें जो है एक्टिव फ्लाइट में एयर फ्लोज मोर क्विकली, फ्लोज मोर क्विकली ओवर द विंग एंड इंक्रीजेस द एयर प्रेशर अंडर द लोअर सरफेस एंड द बर्ड इज गिवन लिफ्ट, एंड द बर्ड इज गिवन लिफ्ट अप जो है फिर उसको ऊपर मिलता है। नो यूज ऑफ एनर्जी टू ग्लाइड और डाइव इन द एयर, हत्ता कि जब उसने अपना गोता लगाना होता है ना ऊपर बुलंदी से जो है, तो वो अपने विंग्स को ऐसे स्केड लेता है और नीचे जब वो स्केड लेगा तो ऑटोमेटिकली जो एयर स्ट्रेन्स के पैरेलल कर देगा विंग्स को, तो फिर वो बहुत स्पीड के साथ जो है वो नीचे को डाइव करता है अपने शिकार की तरफ जो है। तो बड़ा जी जबकि इधर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड मसल एक्टिविटी इज इन्वॉल्व टू फ्लाई इन एयर। लोकोमोशन इन मैमल्स, पेज 48 पे हम बड़ा ही पहुंच गए हैं। तो जो है मैमल्स जो है, द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ सपोर्टिंग द बॉडी इज सीन इन मैमल्स, हम ह्यूमंस के अंदर पढ़ चुके हैं, द लिम्स ऑफ द मैमल्स हैव अंडरगॉन फर्दर मॉडिफिकेशंस
टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग मोड्स ऑफ लोकोमोशन. मोड्स मीन मेथड्स प्लांटीग्रेड. इन दिस मोड ऑफ लोकोमोशन मेमल्स वॉक ऑन देयर सोल्स. पांव की तली के ऊपर, हाथ या पांव की जो तली होती है उसको सोल या पाम हम कहते हैं. तो उसमें उंगलियां जो है पाम्स यानी सोल्स पांव की तलिये, और उसके अलावा जो है उनकी जो पांव की रिस्ट्स हो गई या फिर एंकल्स हो गई, ये ऑल दीज आर टचिंग द लैंड यानी रेस्टिंग ऑन द लैंड, जमीन पर पड़ी हुई होती हैं. रेस्टिंग मोर आर लेस ऑन द ग्राउंड सच एज मंकीज एपीज मैन बियर इसकी एग्जाम्पल्स हैं. तो दूसरा बड़ा डिजिटीग्रेड्स. डिजिट्स उंगलियों को कहते हैं, हाथ और पांव की उंगलियां जो हैं उनके ऊपर जो मैमल्स चलते हैं वॉक ऑन देयर डिजिट्स. तो इसमें क्या होता है कि फिर इनकी जो है ना वो जो पाम एंड सोल्स होते हैं एंड रिस्ट एंड एंकल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो एयर में आ जाते हैं, सिर्फ उंगलियां जमीन को टच कर रही होती हैं. तो द फर्स्ट डिजिट इज यूजली रिड्यूस्ड आर एब्सेंट. इनमें जो है अंगूठे वाला जो हड्डियां होती हैं या तो पाई नहीं जाती या रिड्यूस हो जाती हैं इंतहाई छोटे साइज की. तो बड़ा जिसकी एग्जाम्पल जो है वो रैबिट एंड रोडेंट्स. रोडेंट्स कुतर कर खाने वाले जानवरों को कहते हैं, जैसे चूहा वगैरह जो है उसमें शामिल हैं. अनगुलीग्रेड्स जुगाली करने वाले. अनगुलीग्रेड्स जुगाली करने वाले, हम कहते नहीं होते जी कि वो भैंस के मुंह से जो है वो फोम सा निकल रहा होता है, तो वो या हूफ्ड मैमल्स जिनके हूफ्स हों, जिनके पाँव के नीचे ये हूफ्स क्या होते हैं, नेल्स ही होते हैं, ठीक है ना. जैसे हमारे नेल्स हैं लेकिन ये नेल्स बढ़ के जो उंगलियों के नीचे आ जाएं, पाँव की उंगलियों के नीचे आ जाएं, तो फिर क्या बन जाएंगे, ये हूफ्स बन जाएंगे. तो ब्रजी मेमल्स वॉक ऑन द टिप्स ऑफ टोज मॉडिफाइड इनटू हूफ एज डियर जो है और गॉड्स बफेलोज काउज हॉर्सेज डंकीज ये सब इसमें आ जाते हैं. इट इज़ द मोस्ट स्विफ्ट टाइप, सबसे तेज तरीन जो रनिंग है वो इन्हीं एनिमल्स की है. तो बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें. अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो. आमीन. शुक्रिया.